क्या क्या नाम है आप लोग के? मैं ले रहा हूँ, आप लोग रिपीट करना, ठीक है? असलम खान, पंकज कुमार, जमरुद्दीन, विश्वजीत, कुशेश्वर राम जी सर, बुरन सादा जी, पिंटू जी सर, इजरार अली यस सर, मोहम्मद आरिफ, ठीक है? इसमें कुछ लोग सटरिंग हो, कुछ आरसीसी हो, एक लड़का हेल्पर है, बराबर? आप हेल्पर हो, बाकी सटरिंग आरसीसी हो, ठीक है? हेल्पर की सैलरी 8 घंटे की 800, ठीक है? 2 घंटे ओटी मिला के आपका चलेगा जो फिक्स, वो मिलेगा आपको 200, टोटल हो गया 1000। ट्रेड की सैलरी जो है 700 8 घंटे की, 700 प्लस 200, ठीक है? 700 प्लस 200 900, ठीक है? 8 घंटे की, ओके? बाकी 2 घंटे ओटी चलेगा 200, मतलब टोटल बन गई 1100, 10 घंटे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? 700 200 8 घंटे, 2 घंटे फिक्स ओटी चलेगा, वो सैलरी मिला के 1100। ट्रेड का हो गया, हेल्पर का 600 प्लस 200, 8 घंटे 200, 10 घंटे बराबर 1000, 10 घंटे बराबर, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? आप लोग को मिनिमम 50% हेल्पर छोड़ के, हेल्पर का कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं आएगा हेल्पर तो हेल्पर ही है, बाकी अगर किसी को है 50% काम आना चाहिए। अगर 50% काम नहीं आता है, एकदम लेबर कैटेगरी में हो, 50% मतलब लेबर ही हो गया ना, आधे ज्यादा, तो भैया हेल्पर में साइन करना पड़ेगा, क्लियर? जैसे ये भैया जा रहे हैं, ठीक है? काम नहीं आता कोई हेडक नहीं, हेल्पर में साइन करो, जो हेल्पर की सैलरी होगी वो मिलेगी, ठीक है? ठीक है, ओके। वीजा से रिलेटेड कोई दिक्कत है, एजेंसी जिम्मेदार है, ऑफिस जिम्मेदार है, पूरी तरह से, ठीक है? सैलरी नहीं मिलती, हम जिम्मेदार है पूरी तरह से। काम करते हो, ओवर टाइम नहीं मिलता, हम जिम्मेदार है, ठीक? आप काम नहीं करते हो, आप जिम्मेदार। मेडिकल अनफिट होता है, आप जिम्मेदार, ठीक है? 6 महीने का प्रबंधित पीरियड होगा, 6 महीने से पहले अगर कोई भी आता है इसमें, तो अपना वीजा टिकट का फाइन खुद भर के, 6 महीने से पहले नहीं आ सकते आप, ठीक है? पता है ना, जेनुइन रीजन हो, चलो किसी तबियत खराब है, कुछ है, आप सबमिट करो, कंपनी को लगेगा तो आप कंपनी अपने हिसाब से भेजेगी, कंडीशनल लीव होती हो। अगर कोई अपनी मर्जी से आना चाहता है 6 महीने से पहले, भैया हम एजेंसी ऑफिस एजेंट बिल्कुल इस चीज का जिम्मेदार नहीं है, वीजा की कॉस्ट अपना भरो, क्योंकि वीजा की कॉस्ट आती है 6 से 7 हजार ग्राम, उतना हम किसी से लेकर नहीं भेज रहे ना अपना कोई, 7 हजार ग्राम मतलब आज के समय में हो गया लगभग 1.5 लाख रुपए, प्लस एजेंसी कमीशन, एजेंट कमीशन सारा मिला 2 लाख से ऊपर हो जाएगा, इतना तो कोई भर के जा नहीं रहे हो, तो साफ समझ में आ रहा वीजा फ्री होता है लगभग, तो इसीलिए कंपनी कहती है 6 महीने कम से कम काम करना है आपको। अगर 6 महीने से पहले आते हो कोई बात नहीं, आ जाओ, वीजा का पैसा भर दो, उससे तो जो भी वीजा की फाइन आएगी 3000-4000 वो अपडेट करना पड़ेगा 6 महीने से पहले, 6 महीने के बाद फाइन खत्म हो जाता है, ठीक है? फिर आप कभी छुट्टी आ सकते हो। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, ये वीडियो कंपनी में भी रहेगा, हमारे पास भी रहेगा, ठीक है? यूट्यूब पे भी रहेगा, आप कुछ भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? जाना चाहते हो? कोई जोर जबरदस्ती दबाव तो नहीं किसी पे? अपनी मर्जी जा रहे हो?